भाई दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ में आई बी स्पेंड में बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, आई बी स्पेंड में सेम इलस्ट्रेशन बनाने के लिए मैंने 3000 बाई 3000 पिक्सल्स का एक कैनवस ले लिया है और यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है। इसको हम सेंटर कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल से। एक नया लेयर बनाएंगे, इसको हम क्लिप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक एयर ब्रश सेलेक्ट करेंगे, इसको वाइट कलर सेलेक्ट कर कर इधर शेडिंग डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग के बाद एक नया लेयर बनाएंगे, उसको भी क्लिप कर देंगे और यहाँ पे एक ब्रश से डार्कर कलर से फोरग्राउंड बना लेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, सेम वैसे ही इलस्ट्रेशन इसमें भी कर रहे हैं। इसलिए फोरग्राउंड के बाद हम जो है सो एक नया लेयर पे क्लिप करने के बाद नए लेयर पे माउंटेन्स बनाएंगे एक लाइटर ब्लू कलर से। तो यहाँ पर मैं माउंटेन्स बना रहा हूँ। इस माउंटेन्स को हम फिल कर देंगे सेम कलर से। फिल कर देने के बाद हम माउंटेन्स बनाने के बाद इसको 3D इफेक्ट लाने के लिए हम लाइटर कलर से इधर एक शेडिंग देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर एक लेयर बनाएंगे, उसको माउंटेन से क्लिप कर देंगे और बाकी सबको डिसेबल कर देंगे। उसके बाद हम इस पर वाइट कलर ब्रश से हल्की सी शेडिंग देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेडिंग देने के बाद हम इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद में सब सब लेयर्स को एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद एक नया लेयर बनाइए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सूरज बनाया था। इसी तरह इधर भी एक सर्कल बना लेंगे वाइट कलर से और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से ज़रा सेट कर लेंगे। जहाँ भी हमें लोकेशन चाहिए इसकी, जहाँ भी इसका पोजीशन सेट होता है वहाँ पे आप रख लीजिए। इसके बाद में इसको सेम डुप्लीकेट कीजिए, ओपेसिटी में कम कीजिए और बड़ा कीजिए। यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टूल यूज़ किया है और यहाँ पर ओपेसिटी कम करते करते मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं। हम यहाँ पर एरोप्लेन की जगह स्टार्स बनाएंगे। आई बी स्पेंड में अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं, इसके अंदर प्रीसेट्स लेते हैं स्टार्स एंड अदर शेप्स। सो हम यहाँ पे स्टार्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब लेयर्स को मर्ज कर लेंगे और बैकग्राउंड में एक कलर डाल देंगे। सो हमने सेम इलस्ट्रेशन आई बी स्पेंड में भी बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रोक्रिएट के इलस्ट्रेशन को फोटोशॉप में भी बनाया है, अब हमने आई बी स्पेंड में भी बनाया है। सो एक्सपोर्ट करने के बाद फाइनल इमेज ये है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द ट्यूटोरियल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।